अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इत्तेफाक से कल, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, मैं मुसलमान को भी जो है बुरा भला कहता हूँ, इस वास्ते कि हम सुपर शैतान हैं। मेरे बेटे ने दो दो और एक छोटा सा फ़ोन है मेरा, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता था हज से पहले। तीन फ़ोन है मेरे पास, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। अब बताना क्या है, ये कल फ़ोन मैं बाहर ले गया क्योंकि मेरी बीवी जॉब के वक्त में कॉल करती है तो मुझे चाहिए, सिर्फ उससे बात करता हूँ। और मेरे दोनों बच्चे कॉलेज को जाते हैं, कोई ऐसी वैसी बात ना हो वो डर से मैं फ़ोन मेरे जेब में रखता हूँ, वरना मैं इस्तेमाल नहीं करता। तीन फ़ोन है मेरे पास, अल्लाह जानता है, इन तीन फ़ोनों को मैं यूज़ नहीं करता। ज़िंदगी में दो बार मैंने कमेंट देखे मेरे वीडियोस के ऊपर। मैं हज़ार बार कह चुका हूँ कि मैं कमेंट्स नहीं चेक करता, तुम थाम्स अप करो या थाम्स डाउन करो, या तुम नाराज़ हो या खुश हो, मुझे इस तरह की जो है फालतू जो है खुशी नहीं चाहिए या रंज नहीं चाहिए। लेकिन ये फ़ोन की वजह से कल मैंने देखा, एक हिंदू मुस्लिम्स को गाली दे रहा, और मैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे 9 साल में यही सिलसिला रहा, मेरा रातब है मेरा ये, यानी मैं कंटिन्यू यही करता हूँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मेरा जो सुनने वाला सामईन में है उसके ऊपर का शैतान चले जाए। मगर कुरान कह रहा है हिंदू और क्रिश्चियन का शैतान नहीं जाता, तो वो मुसलमानों को गाली दे रहा कल मेरे वीडियो देख के। मुस्लिम्स को चीम की गाली दिया, होते हैं चीम, होते हैं चीम, बोले तो बहुत सारों को नहीं मालूम, लफ्ज़ आम है वो, चूतिया, तो वो गाली दिया उसने मुसलमानों को। मुझे देता मैं रंज नहीं करता, मगर मुसलमानों को गाली दिया। मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ, काश के ये मेरा वीडियो देखे वो। मैं उसको जवाब नहीं देता क्योंकि फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है शैतानी तरीके से। इस वास्ते मैं वीडियो बनाने के बाद में ना थाम्स अप देखता हूँ, ना थाम्स डाउन देखता हूँ, ना तो तारीफ देखता हूँ, ना तो कमेंट गालियों का देखता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। मेरे जहन को मैं मुंतशर नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है, सीमियाबी तबीयत की तरह पारा पारा नहीं करना है मेरे दिमाग को। मैं अखले सलीम से जो है अकल से समझ से 1000 निशानियां देने बैठ रहा हूँ, और मैं देख के जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं नहीं देखता वीडियोस के कमेंट्स, कल इत्तेफाक से देखा, और ज़िंदगी में दो एक बार ही देखा, चंद गालियाँ मिले, एक मुसलमान तारीफ़ किया माशाल्लाह ये कहा, फिर उसने कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पढ़ा, और एक क्रिश्चियन जीसस गॉड बोला। मेरे कल के कमेंट के, मेरे कौन सा वीडियो देखा उसके साथ जो कमेंट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा। मैं नहीं देखता। अब मैं क्रिश्चियन और हिंदू को बता रहा हूँ, कान खोल लो, जहन खोल लो, दिल के दरवाज़ों को जो है अंदर आने दो मेरी बात को, दिल को भी खोल लो और ये पैगाम को अंदर जाने दो, तह तक दिल के, तुमको समझ में आएगा कुरान क्या चीज़ है। अल्लाह ने ऐसा मात दे दिया काफिर को, चप्पल से मार दिया समझो, या थूक दिया समझो, या लानत भेज दिया समझो उन पर। अल्लाह ने कहा तुम इनको हक बोलो, इस्लाम के लिए बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ, कुरान की तरफ बुलाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाओ, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं मानेंगे कि अल्लाह हक है करके, ये नहीं मानेंगे, ये इनकार करेंगे। जबकि हिंदू को मालूम है राम, ए से अल्लाह है, आर से रॉन्ग भी हो सकता, राइट भी हो सकता, और जे से जंप भी हो सकता। ये ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने भेजा, ये जंप कर गए, इनको ही खुदा समझा, इनको ही बेटा समझा। तो मेरा पैगाम क्या है, राम अगर खुदा होता, सोचो 1986 में वो जो जगह के कागजात खो गए कह रहे हिंदू कोर्ट में, एक खुदा तुमको तुम्हारे बाप रिबजीत को ढाने के बाद, शहीद करने के बाद कोर्ट में केस चल रहा और तुम्हारे पास पेपर नहीं है, राम का तुम जो है सबूत नहीं दे सकते,
और राम तुम्हारी पेपर ढूंढने में मदद नहीं कर सकता, और हमारा खुदा अल्लाह जानता है कोई भी चीज़ खोने दो, आप ये पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला वो चीज़ ढूंढ के दे देता है। बार मेरे साथ कई बार बचपन से हुआ है, मैं मेरे बीवी बच्चे इस बात पे शाकिर है, ईमान रखते हैं, यकीन है हमारा, यकीन कायम और दायम है। और यहाँ हिंदू का खुदा इतनी बड़े केस का, जो लाखों लोग मर जा रहे हैं और उसकी वजह से कई बार जो है मुल्क बंद भी होता है, दुकानें बंद, शहर बंद, बाजार बंद चलता है, ऐसा नुकसानदा जो इकानमी गिरते जा रही इंडिया, वैसी जगह इनका राम, इनके कागजात खो गए तो वापस नहीं दिला रहा, इन्हें क्या देता रहे तुम्हारे को? 27 साल से तुम्हारे पास बेरोजगारी बढ़ते जा रही, खुदकशी बढ़ते जा रही, बच्चों का रेप बढ़ते जा रहा, इकानमी जो है पूरी दुनिया में वावेला हो रहा ये बीजेपी आई जब से, और तुम बोल रहे कि जो है राम खुदा है। 27 साल से तुम 22 मंदिर है राम की वहाँ से मांग रहे, नहीं मिल रहा, अब एक और बना लेके क्या ढूंढेंगे, क्या मिलेगा तुमको, सोचो राम की मंदिर से अखल लाओ, अल्लाह अखल दिया। इस वास्ते अल्लाह कह रहा है इनको तुम अखल से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, और आजीज होके मिन्नत व समाजत करो, इनसे इसरार करो, इनसे तकरार भी करो, मगर ये नहीं मानेंगे। अल्लाह कह रहा है मैं नहीं। अब मैं अल्लाह की शान बताता हूँ, क्रिश्चियन तू सुन, अगर तू वाकई क्रिश्चियन है तो, अल्लाह ने पैदा किया जीसस को, बात ख़त्म हो गई, इससे बड़े की बात नहीं हो सकती। अल्लाह पैदा किया, बात ख़त्म हो गई, तू प्रूफ नहीं कर सकता, वो आ नहीं सकते तेरे सामने, वो मर गए होंगे तेरे खुदा के अब बेटे या खुदा जीसस है तो मर गए होंगे, वो सामने नहीं आ रहे ना, आए थे बोल रहा फिर है कहाँ, इतनी गंदी सूरत कैसा हो सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे खूबसूरत इन दुनिया में बोले, अल्लाह ताला कुरान में तारीफ बताया, एक बूढ़ी औरत भी जो है जुलेखा, उनके साथ सोने के वास्ते, सेक्स लेने के वास्ते, मेरे को जवान कर, मैं उनके साथ बिस्तर करना है बोली, अल्लाह उनको जवान भी करा और वो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ नहीं सो सकी। इतनी खूबसूरत, उंगलियां काट लेते थे औरतें देख के उनके चेहरे को, और ईसा अलैहिस्सलाम इतने गंदे हैं नारे सूरत से, और फिर उन्होंने मर गए होंगे, देख जवान है तक, मैं भी अच्छी बातें सोचता था, मैं भी जो है औरत के साथ सोने की हिम्मत से, ताकत से और गुरूर से कह सकता था, मगर एक उम्र के बाद में औरत के साथ सोते वक्त भी डरता आदमी, कहाँ उसका उठता नहीं बोल के, औरत को खुश नहीं कर सकता, लात मारती औरत बोल के डरता, ज़ईफ़ी ये है, इंसान थे वो, और इंसान की कैफियत है ये, और इंसान गे भी है, इंसान लेस्बियन भी है, औरत ये कैफियत है, ना मर्द खुदा हो सकता ना औरत खुदा हो सकती, अल्लाह इसकी ये जो सिफत बना के बता रहा कि इंसान बहुत कमज़ोर है, मैं बूढ़ा हो गया, बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, अल्लाह जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, राम भी खूबसूरत नहीं था। अब सोच, काली अल्लाह ने ये ज़मीन और आसमान के दरमियान एक चांद और एक सूरज बना के दिया, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया पे फैलती है, अगर खुदा दुनिया पे आता पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैलना चाहिए थी, राम को तो जानते ही नहीं यूरोप वाले, और यूरोप का खुदा ईसा को इंडिया नहीं जानता, पूरा पूरे की बात करो ना, पूरी दुनिया की बात करो, आज कंप्यूटर पूरी दुनिया पे बात कर रहा, पूरी दुनिया पे हावी है कंप्यूटर, पूरी दुनिया में मैसेजेस है उसके, पूरी दुनिया के अंदर जो है चिटचैट हो रहा उसके अंदर उसके साथ, पूरी दुनिया में फोन हो रहा, पूरी दुनिया में एक्सरे है, पूरी दुनिया के अंदर जो है आपकी मैसेज जा रही एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, पूरी दुनिया के अंदर जो है स्क्रीन बताया जा रहा फलां 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 बोल के ब्रेकिंग न्यूज जैसा, तो इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि इतना खूबसूरत अल्लाह होगा, सात तो आसमान को छुपा के ऊपर है उन्हें, क्यों? क्योंकि उसका नूर कितना बड़ा होगा, इस वास्ते सात तो आसमान में भी नहीं है, जन्नत में भी नहीं है, दोजख में भी नहीं है, अल्लाह ताला अल्लाह है तो फिर वो उसके जो अर्श की कुर्सी है वो फिर भी होती उसके ऊपर, सातों आसमान के ऊपर, कैसा खूबसूरत होगा, कैसा नूर वाला होगा, अगर उसके एक
हूर को हमारे इस्लाम के हिसाब से वो नाखून बता दे दुनिया में, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, बोले नूर, उतनी हूर की खूबसूरती बताई जा रही, तो अल्लाह कैसा होगा? ये क्या गंदे गंदे काली देवी को बताते और वो क्या ऐसे गंदे गंदे खुदाओं को बताते जो ना तो चेहरा बंदर का, ना तो चेहरा हाथी का, ना तो चेहरा जो है वो सांप रख ले के काले काले शिवा। ओ माय गॉड, कैसा पागल है रे तू, तुमको गाली देने भी दिल नहीं भर रहा मेरा, गाली भी जो है तौहीन है तुम्हारा, गाली देना, तुम पे थूकना भी तौहीन है, थूक की तौहीन है, गाली की तौहीन है। अगर से तुम्हारे ऐसे गोबर दिमाग में अगर से एक मिसाल दूँ, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला, इतने खूबसूरत दो चिराग देने वाला चांद और सूरज के, जिसमें खूबसूरती नूर ही नूर रोशन होते हैं, पूरी दुनिया को जो है दिन में बेदार कर देने वाला, जो है रोशन कर देता है इस जहान को ये सूरज, और रात की चांदनी देखकर इंसान रोमांस करने दिल बैठता है, करता है उसका, मर्द है तो जवान, अगर हिजड़ा है राम के जैसा तो वो ठंडा पड़ जाएगा, आएगा भी नहीं सामने, वो बच्चे पैदा करा था नहीं मालूम, या फिर जो है वो बाबरी मस्जिद के कागजात खो गए तो लाके नहीं दे सकता तुमको, कैसा सोचते रहे ये खुदा है बोल के। इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला बोरा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लखलखा लगा लो, रोज का जिक्र कर लो, ये अंदर नूर आ जाता कह रहा और आंखों से दिखता है, आया होता है सामने तुम्हारे नूर, ऐसा अच्छा लगता है, मैंने देखा है, अल्लाह जानता है।